आज का हमारा टॉपिक है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, जिस पर हम एक प्रॉब्लम देखेंगे. हमारे पास जो वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है, बेसिकली क्या है? वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स हमारे पास एक मेथड है जिसके जरिए हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मालूम करते हैं. क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये हमारे पास एक डेटा गिवन है, हमारे पास चार कमोडिटी के करस्पॉन्डिंग जो है क्या है, हमारे पास यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी जो है वो गिवन है टू इयर्स के लिए, 1958 और 1959 के लिए. और अगर हम देखना चाहते हैं कि ये हमारी जो क्वांटिटी है यहाँ पर हमारे पास 1958 में जो हमने कंज्यूम की है उससे लेकर 1959 में क्वांटिटी तक क्या चेंज आया है, तो हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को कंप्यूट करते हैं. वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मैथड है जिसमें हमारे पास रिलेटिव से हम देखते हैं सबसे पहले क्या मुराद है. रिलेटिव से हमारा मतलब ये होता है, जैसे हमारे पास यहाँ वेट है, वेट में जो हमारी क्वांटिटी है, सॉरी वीट, वीट की जो हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटी गिवन है, अगर हम देखना चाहें कि सिंपली वीट में कि हम चेंज लेते हैं क्वांटिटी में जो आया है 1958 और 1959 के दरमियान में, इसी तरीके से अगर हम चेंज लें राइस का जो चेंज आया है हमारे पास 1958 से 1959 में, तो हमारे पास क्या, हम रिलेटिव मेथड यूज़ करेंगे जिसको हम इस तरीके से लेते हैं क्यू एन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट. जबकि क्यू एन क्या है, क्यू एन हमारे पास 1959 की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और क्यू नॉट हमारे पास 1958 की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है. वेटेड एवरेज का क्या मतलब है, वेट का मतलब है कि हम रिलेटिव इम्पॉर्टेंस लेंगे, यानी हम इन जो हमारे पास रिलेटिव्स हैं इनको कोई ना कोई वेट असाइन करेंगे, जिसे हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. और एवरेज हमारे पास जैसे सिंपल एवरेज होती है सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो यहाँ पर एन हमारे पास क्या है, एन हमारे पास हमारा नंबर ऑफ कमोडिटी होगा और एक्स हमारे पास क्या होगा, वेटेड रिलेटिव्स होंगे. इसको अगर हम एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे हमारे पास क्यू जीरो एन है, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जो हम मालूम कर रहे हैं, जीरो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे बेस ईयर को, जो कि हमारे पास क्या है 1958, और हमारे पास एन जो है वो करंट ईयर को रिप्रेजेंट करता है जो हमारे पास 1959 है. तो हमारे पास आ जाएगा, हम सम ले लेंगे, इसको हम लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्यू एन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू और डिवाइडेड बाय सम ऑफ डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास ये आ जाएगा. जबकि जो वेट्स हैं हमारे पास वो हम किस तरीके से लेते हैं, वो हम लोग प्राइस और क्वांटिटी की जो हमारे पास है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को लेकर लेते हैं. यहाँ पर हम लोग दो तरीके से स्टडी करेंगे इसको. पहला तरीका जो हमारे पास हम वेट का ले रहे हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आ जाता है पी नॉट और क्यू नॉट, यानी हम लोग बेस ईयर की ही प्राइस और बेस ईयर की ही क्वांटिटी को यहाँ पर एज अ वेट यूज़ करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. इसको अगर हम लिखें तो हमारे पास बन जाएगा, ये फॉर्म हमारे पास क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की बन जाएगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारे पास लेस्पियर्स की फॉर्म बनती है. क्या बनती है, लेस्पियर्स की फॉर्म बनती है. इसी तरीके से अगर हम लोग वेट को लेते हैं हमारे पास, हम किस तरीके से लें, अगर वेट को हम लोग पी एन और क्यू नॉट अगर हम वेट को लेते हैं तो हमारे पास क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बन जाएगा, हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पाशेस की फॉर्म बनती है. इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बस पाशेस की फॉर्म बनती है. हम इन दोनों लेस्पियर्स और पाशेस के ज़रिए अपना क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इस डेटा को यूज़ करते हुए कंप्यूट करेंगे. हमें इन फार्मूलाज के मुताबिक जो जो वैल्यू चाहिए, जैसे हमारे पास क्यू एन डिवाइडेड बाई क्यू नॉट हमको चाहिए, क्यू नॉट इंटू पी नॉट चाहिए, और यहाँ पर क्यू नॉट इंटू पी एन की वैल्यू हमें चाहिए, और इनका हमें प्रोडक्ट चाहिए हमारे पास जो यहाँ पर है लेस्पियर और हमारे पास जो पाशेस में यहाँ पर न्यूमरेटर में है उन दोनों टर्म्स का. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उनका कॉलम्स अपने पास बना लेंगे. तो हम कॉलम्स बना लेते हैं,
हमने यहाँ पर कॉलम्स को बनाकर लिख लिया है जिन दो मेथड्स के जरिए हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारे पास लेस्पियर और पाशेस बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला कॉलम हमारे पास क्या है, क्यू नॉट इंटू पी नॉट। क्यू नॉट और पी नॉट हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास 1958 की प्राइस और क्वान्टिटी हमारे पास यहाँ पर जो गिवन है वो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, जो कि हमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लेस्पियर में हमारे पास इधर और इधर हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर में भी हमको चाहिए। तो इसको हम कैसे मालूम करेंगे, हमारे पास जैसे कि यहाँ पर क्यू नॉट की वैल्यू है आप देख सकते हैं हमारे पास क्या लिखी हुई है 276। तो हमारे पास जो ये वैल्यू है 276 इसको हम लोग क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास पी नॉट की वैल्यू है 80.65 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 222.59.4। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास इसको हम यहाँ पर अपने पास लिख लेंगे, तो यानी हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 222.59.4, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। इसी तरीके से जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है, हमारे पास गिवन हमें चाहिए क्यू नॉट पी एन, यहाँ पर हमें चाहिए, तो उसको हम किस तरीके से मालूम करेंगे, क्यू नॉट पी एन जो कि कहाँ पे है हमारे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे पाशेज में इसकी हमें वैल्यूज चाहिए, यहाँ पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्यू नॉट हमारे पास क्या है 276, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास पी एन, पी एन की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं 85। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 23460.0। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई क्यू नॉट पी एन की वीट के लिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग हमारे पास यहाँ पर लिख लेंगे, पास आया है 23460.0। अब हमारे पास जो थर्ड कॉलम है उसकी वैल्यू को मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो ये थर्ड कॉलम है इसमें वीट के लिए हम लोग क्यू एन की जो हमारे पास वैल्यू है 290, इसको हम डिवाइड कर देंगे हमारे पास जो क्यू नॉट की वैल्यू है 276 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1.0507। इस वैल्यू को हम अपने पास यहाँ पर टेबल में लिख लेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है 1.0507 आ गया। इस तरीके से जो हमारे पास ये वाला कॉलम है फोर्थ वन, ये हमारे पास क्या है, ये आप देख सकते हैं लेस्पियर में हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसमें ये हमें इसकी वैल्यू चाहिए, जिसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास थर्ड कॉलम की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करें फर्स्ट कॉलम से जो हम लोगों ने कंप्यूट करना है। तो हमारे पास क्या है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 1.0507 इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास जो वैल्यू बनती है 22259.4 आ रही थी, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 23387.95 आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर अपने पास लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है 23387.95 आ गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से जो हमारे पास लास्ट कॉलम है जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पर मालूम करनी है, वो हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं कि वो हमारे पास हमारा जो ये थर्ड कॉलम है इसकी वैल्यू को अब हम सेकंड कॉलम की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पर पाशेस के न्यूमरेटर में आप यहाँ पर देख सकते हैं हमको चाहिए उसकी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्यू एन बाई क्यू नॉट की वैल्यू क्या थी 1.0507, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 23460.0 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 24649.42। तो इस वैल्यू को हम अपने पास यहाँ पर लिख लेंगे, तो इस हमारे पास क्या आ जाएगा 24649.42 आ गया। तो ये हमने क्या किया है, हमने वीट के लिए इन तमाम की वैल्यूज़ को मालूम कर लिया है, लेकिन हमें क्या है, हमें यहाँ पर सम चाहिए, यानी हमें जो वैल्यू चाहिए यहाँ पर जो हम कंप्यूट कर रहे हैं उनका टोटल चाहिए कॉलम वाइज हर कमोडिटी के लिए, यानी हम तमाम कमोडिटीज़ में जो हमारे पास ये वैल्यू बन रही है उन सबको हम ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी और पाशेस में भी हमें क्या चाहिए, हमें टोटल चाहिए, तो हम बाकी कमोडिटीज़ की भी वैल्यूज़ को अपने पास
निकाल कर इसी तरीके से लिख लेंगे बिल्कुल, और यहाँ पर उनका टोटल भी ले लेंगे। तो हम वैल्यूज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमने तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर कंप्यूट कर कर अपने पास लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग सिंपली अपने फार्मूलाज में वन बाय वन इसको पुट करेंगे। सबसे पहले हम लेस्पियर्स में देखते हैं वैल्यूज़ हमारे पास क्या आती हैं। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें टोटल चाहिए हमारे पास जो ये बन रहा है उसका, ये कि हमारे पास क्या है, क्यू एन डिवाइड बाई क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई क्यू नॉट इंटू पी नॉट, जो कि हमारे पास फोर्थ कॉलम बनता है जो हम वैल्यूज़ कंप्यूट कर रहे थे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6125.84 हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम इसे डिवाइड क्या करेंगे, यहाँ पर हमें टोटल चाहिए क्यू नॉट पी नॉट का। तो क्यू नॉट पी नॉट का ये जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम बनता है जिसे हमने कंप्यूट किया है, हमारे पास आ जाएगा 4900.69, और इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो इसको हम वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, इन दोनों को हम आपस में डिवाइड कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 125.055 आ गया। इसी तरीके से बिल्कुल पाशेस में भी जो हमारे पास ये टोटल है हम लोगों को चाहिए, जो कि हमारे पास क्या बनता है, हमारा ये लॉस्ट कॉलम बनता है इसका टोटल, और ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में तो हमारे पास सेकंड कॉलम है, इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हम इसी तरीके से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करके आंसर निकाल लेंगे। तो हम इसको करते हैं, हमने वैल्यूज़ को पुट करके कंप्यूट किया तो हमारे पास 123.94 आ गया है। अगर हम परसेंटेज में वैल्यूज़ देखना चाहें तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम 125.055 को अगर हम देखना चाहें माइनस 100 और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो हमारे पास क्या है, परसेंटेज में हमें चेंज पता चल जाएगा जिसे आप कर कर देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाएगा 25.055 परसेंट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम पाशेस के लिए करेंगे माइनस 100 और डिवाइडेड बाय 100 तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो यानी हमारे पास जो है इतना चेंज आया है अकॉर्डिंग टू पाशेस 23.94 और लेस्पियर के मुताबिक 25.055%। तो आज का हमारा टॉपिक था वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, और हमने देखा टू मेथड्स के जरिए, लेस्पियर और पाशेस के जरिए, कि किस तरीके से हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कंप्यूट कर सकते हैं, मतलब चेंज इन क्वांटिटी देख सकते हैं।